ये है हमारे आनंद का घर, जो खुशी से सो रहा है, अपने प्यार के सपने देख रहा है। देखते हैं ये खुशी कब तक रहने वाली। आनंद आनंद आरा आगे बेटा, इनसे मिलो। और बेटा कैसे हो? ठीक हूँ आंटी। और आजकल क्या कर रहे हो? बीकॉम कर रहा हूँ। वैसे अगर तूने भी साइंस ली होती तो तेरी भी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती। बढ़िया तू भी कहीं आईआईटी में होता। ये ताने हमारे आनंद की ज़िंदगी का अब रोज़ का हिस्सा बन गए। इन सब से पीछा छुड़ाने को वो अपने दोस्त के पास जाता है। देखते हैं वहाँ क्या होता है। यार काव्या की नई पिक देखी? काव्या? हाँ भाई सारी देखी। उसके नए बॉयफ्रेंड वाली? नहीं देखी। लो देखो। यार आनंद तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। तूने भी साइंस ली होती तो आज काव्या तेरे साथ होती, तेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी। काश। दोस्त की बातों से निराश होकर के हमारा आनंद अब घर लौट जाता है। और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है पापा। अच्छी पढ़ाई का भी क्या फायदा, कौन सा तूने साइंस ले रखा है जो तेरी लाइफ सेट हो जाए। मम्मी मैं सोने जा रहा हूँ। इन सभी रोज रोज के तानों से परेशान होकर आनंद अब जिंदगी से निराश हो चुका था, मानो उसकी जिंदगी में जैसे कुछ बचा ही ना हो। यार काश मैंने साइंस ले ली होती तो आज मेरी लाइफ भी कितनी सॉर्टेड होती और काव्य भी मेरे साथ होती। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता है। ये क्या है? क्या आपने भी जिंदगी में कोई बड़ी गलती की है कि आपको भी कोई पुराना ख्वाब रातों को सताता है? तो आज आपके पास मौका है, बैठ जाइए इस टाइम मशीन में और फुर हो जाइए, अपने पास में जाइए और सब कुछ सही कर लीजिए। पर जाने से पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि एक बार अगर आप उधर गए तो फिर कभी लौट नहीं पाएंगे। क्या मैं सच में टाइम में वापस जा सकता हूँ? पर क्या मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर एक बार चला गया तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तूने भी साइंस ली होती तो आज काव्या तेरे साथ होती, तेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी। कौन सा तूने साइंस ले रखा है जो तेरी लाइफ सेट हो जाए। हाँ मैं जाऊंगा और इस बार काव्या भी मेरे साथ होगी और मेरी लाइफ भी सॉर्टेड होगी। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। तेरा बाप आया। अब वो टाइम में वापस आ चुका था। उसने तय कर लिया था कि वो सब कुछ अपने हिसाब से बदल लेगा और इसी उम्मीद के साथ वो जाता है अपने स्कूल जहाँ काव्या उसका इंतजार कर रही है। ये आनंद कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। काव्या? काव्या? अरे आनंद आज इतनी लेट कैसे हो गया? कुछ नहीं वो बस मैं, चलो अंदर चलते हैं। और तुमने डिसाइड कर लिया ना तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है? हाँ बिल्कुल मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं साइंस ही लूंगा। यार अब तो मैं टाइम में भी वापस आ गया हूँ, मैंने साइंस भी ले ली है, आज बोल ही देता हूँ उससे। हाय। हे तुम कुछ कहना चाह रहे थे?
हाँ, कहना तो बहुत कुछ था, बट अभी उसको हटाओ। ये बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है। तो बोलो, हम अच्छे दोस्त हैं ना, सोच क्या रहे हो? अच्छा तो सुनो, हमारी दोस्ती को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। हाँ हाँ, देखो क्लियरली बोलता हूँ। हाँ प्लीज। कई सालों से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सालों से देखता आया हूँ, बहुत दिन से ये कहना भी चाह रहा था, पर दोस्ती ना खराब हो इसलिए कभी हिम्मत नहीं कर पाया। बट आज सोचा हिम्मत करके बोल ही दूँ दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आई लव यू एंड यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। देखो जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया, बट इससे हमारी दोस्ती नहीं खराब होनी चाहिए। नहीं नहीं, डोंट वरी, इनफैक्ट आई ऑल्सो लाइक यू वेरी मच। I also feel the same and always wanted this day to come. And finally it's here. I can't believe it. I love you too. Finally. So let's meet tomorrow. Sure. Bye. Take care. Bye. Take care. यूं ही दोनों को एक साथ काफी वक्त गुजर गया और आनंद को काव्या का साथ मिला तो उसे लगा मानो उसने किस्मत को काबू में कर लिया और वो जिंदगी को यूं ही जीना चाहता था, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। क्योंकि आनंद ने काव्या के साथ के लिए साइंस को तो पकड़ लिया था, पर शायद साइंस ने उसका साथ छोड़ दिया था। मैंने साइंस क्यों ले ली? मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। आनंद आनंद आनंद, मेरे 90% आए हैं, तुम्हारे कितने आए? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मैं फेल हो गया। क्या, तुम फेल हो गए? हमने तो साथ में सोचा था ना कि हम IIT में जाएंगे। I'm sorry, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं किसी ऐसे के साथ रहना चाहती हूँ जिसके साथ मेरा कोई फ्यूचर हो, पर तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं। We are breaking up. अब हालात ये थे कि ना उसके पास साइंस थी और ना ही काव्या। जो अपने आप को किस्मत का बादशाह समझ रहा था, वो कहीं किस्मत का गुलाम बन गया था। चाहता तो था कि वापस अपने वक्त में लौट जाए, पर अब ये मुमकिन नहीं। सपना था। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो ये सोचते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता तो लाइफ ज़्यादा बेटर होती, या किसी एक के चले जाने से लाइफ रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं है, लाइफ गोज ऑन एंड वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर बेस्ट। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।